होते हैं तब तो सारे आगे आते हैं, कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, ईच एंड एवरी पर्सन कम्स एंड आस्क फॉर की वोट के लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम ये करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी हमारे लिए कुछ काम किया है। आई विल गिव माय वोट टू नोटा। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं उसके बाद हम अच्छी तरह फाइट करेंगे और हमारी पीडीपी की गवर्नमेंट वापस आएगी बीजेपी को, क्योंकि खाली हमको जम्मू कश्मीर का स्टेट ही देखनी है, हमें कंट्री को भी देखना है और कंट्री की सिक्योरिटी और सेफ्टी के सबसे पहले उसके लिए आई थिंक जो बीजेपी काम कर रही है उससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकती। सर देखा जाए अगस्त से नेट बंद है तो अभी तक 2G इंटरनेट चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी स्टडीज ऑनलाइन स्टडीज हैं जो रुकी हुई हैं, तो हम किसको वोट देंगे, हमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं जिसको हम वोट दें। पब्लिक के लिए किसी ने काम नहीं किया है, इस करके मेरे को तो लगता है एक ऑप्शन नोटा होता है, उसी को ही प्रेस करना इस वक्त ठीक रहेगा। नमस्कार दर्शकों, अली पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रिया शर्मा। जिस तरह से बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो अगर इलेक्शन कमीशन द्वारा ये निर्देश दिए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शंस हो सकते हैं, तो आइए जम्मू के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस सब पर। सर अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट डालेंगे? हम कांग्रेस को वोट डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस हक में बोलती है, गरीबों के हक में होती है। इन्होंने ना किया किसी के लिए, ना कोई आटा चावल बांटा तो लोग अपने वोटरों को दिया, अपने बंदे को दिया। मोदी साहब बोलते थे कि 80,000 करोड़ को हम राशन भेज रहे हैं, लेकिन हमें तो किसी आदमी को नहीं मिला। जी सर आपका नाम? आकाश धीमन। आकाश जी क्या कहेंगे अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने चाहे, देखिए महंगाई हुई है मैं मानता हूँ, बट जो देश को आगे लेके गया वो बीजेपी लेके गया। कांग्रेस भी रही है 15 साल, लेकिन कांग्रेस ने वो कदम नहीं उठाए जो बीजेपी ने किए। जी सर आपका नाम? आजिम अख्तर। जी सर अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट डालेंगे? मैडम इलेक्शन होंगे हमारे जो जम्मू के लिए सोचेंगे उस पार्टी को हम वोट देंगे, हमारे पार्टी है डोगरा स्वाभिमान संगठन, तो हम वो जम्मू के हित के लिए बनी हुई है, तो हम उनको वोट देंगे और ज़रूर वोट देंगे और उनको जिताएंगे। और जम्मू के यूथ के बारे में, जॉब्स के बारे में जो हमें अच्छा, मतलब कि जम्मू के यूथ को आगे लेके जाएगा, हम उस लीडर को वोट देंगे। और डोगरा स्वाभिमान संगठन हमारी पार्टी है, हम ज़रूर उनको वोट देंगे। जी सर आपका नाम? AK शर्मा। सर क्या कहेंगे अगर जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शंस होती हैं तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? मैं बीजेपी, मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, हर चीज़ है मोदी जी ने जो भी है 70 साल में बहुत अच्छा उसने कर दिया। मैम आपका नाम? रेनू नंदी। मैम अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो पिछली हुकूमत रही है बीजेपी एंड पीडीपी, उसमें हमारी पीडीपी ने काफ़ी काम करवाए हैं। जितने काम पीडीपी ने करवाए हैं उतने काम ना बीजेपी ने दिखाए इधर कि हुए हैं या नहीं हुए। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी मैडम प्रेसिडेंट हैं, हमारी अध्यक्ष हैं, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि उन्हें रिहा किया जाए। मेरा नाम है राजकुमार। सर अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को डालना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम करवाया है और आगे भी करेंगे अच्छा काम, हमारी सोच यही है जी। तो मोदी सिंह के साथ हैं हम। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी को वोट दूंगा, उसने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है, जनधन खाते खोले, राशन पानी भी दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। निखिल जी अगर इस समय इलेक्शन होती है तो आप किसको वोट डालना प्रेफरेंस देंगे? मैं बीजेपी को ही प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी उन्होंने जो काम किया सही किया। जी मैम आपका नाम? मारवी गुप्ता। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से अगर इलेक्शन होते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देना प्रेफरेंस देंगे? मैम मैं यही बोलूँगी, जब भी वोट्स के टाइम होते हैं तब तो सारे आगे आते हैं, कांग्रेस वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे, ईच एंड एवरी पर्सन कम्स एंड आस्क फॉर की वोट के लिए कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम ये करेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी हमारे लिए कुछ काम किया है। आई विल गिव माई वोट टू नोटा, बिकॉज कि जब भी कोई जॉब वैकेंसीज होती थी, जब भी कि कुछ जॉब वैकेंसीज हो कि बैंक शैंक सबको रिक्रूटमेंट के लिए, ये ऑल दे गिव रेफरेंस टू कैटेगरीज। अगर इलेक्शन होती है जम्मू कश्मीर में तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? मैं बीजेपी को डालूंगा, क्योंकि बीजेपी ने हमारे लिए, मोदी जी ने लगा लो चाहे बीजेपी ने हमारे लिए बड़ा कुछ किया हुआ है। हर चीज जब भी लॉकडाउन था उसने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उन्होंने, जैसे सपोज करो जो गरीब तबका है बंदा उनको बड़ा उच्च उन्होंने दिया है, जैसे सपोज करो पैसा हर मंथली जो 500,000 रुपये उन्होंने हर मंथली दिया है। रुमानी जी क्या कहेंगे जिस तरह से अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो आप अपना वोट किसको देना चाहेंगे?
मैं अपना वोट नोटा को देना चाहूँगी फिलहाल, क्योंकि जहाँ तक अभी तक देखा जाए तो हमारे लिए बीजेपी ने फिलहाल तो यूथ के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही आ रही हैं, जॉब वगैरह कुछ नहीं मिल रहा। करण जी क्या कहेंगे जिस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देने वाले हैं? मैम, सबसे पहली बात यह है कि हम बहुत खुश हैं कि ऐसा इलेक्शन कमीशन ने सोचा भी है कि अब यूटी में होगा, क्योंकि जब ये यूटी कन्वर्ट हुई थी हमें थोड़ी उम्मीद कम हो गई थी इलेक्शन की। अब जब इलेक्शंस होंगे तो जैसा कि हमने देखा है कि हम पहले सपोर्ट करते थे जो हमारी कॉलिशन गवर्नमेंट भी आई थी पीडीपी बीजेपी की, जब हमारा दौरान था गवर्नर्स का, तो काफ़ी प्रोजेक्ट जैसे हमारे पार्क हैं तवी की साइड पर वो सेंक्शन हुए थे, और कई इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुए थे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हमारी गवर्नमेंट पास हुए थे। तो अगर हमारी गवर्नमेंट, हम उम्मीद रखते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं उसके बाद हम अच्छी तरह फाइट करेंगे और हमारी पीडीपी की गवर्नमेंट वापस आएगी, तो हम और भी काम जो जम्मू के पेंडिंग है, जो यहाँ की ज़रूरतें हैं जैसे फ्लाईओवर वगैरह, कोशिश करेंगे कि हम अपने टेन्योर में वो भी क्लियर करवाएं। सर क्या कहेंगे जिस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? इलेक्शन होगी तो हम बीजेपी, अच्छे काम कर रही बीजेपी के बारे में सोचेंगे, उन्हीं को वोट देंगे हम। बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, 370 जैसे वो मसला था बहुत देर से जम्मू का, वो उन्होंने हल कर दिया, और बाकी और देख लेंगे कोई जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे चीन के मामले में भी हो रहा है, चीन को भी अच्छा जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान को भी अच्छा जवाब दिया है इन्होंने। हाँ, पर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? बीजेपी को, क्योंकि लगता है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं, इसलिए बीजेपी को ही वोट डालना। कांग्रेस को, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी सरकार से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यूथ के लिए कुछ हुआ नहीं है, तो मैं अपना वोट कांग्रेस को ही दूंगा। सर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अगर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? ऑब्वियसली बीजेपी को, क्योंकि खाली हमको जम्मू कश्मीर का स्टेट ही देखनी है, हमें कंट्री को भी देखना है, और कंट्री की सिक्योरिटी और सेफ्टी के सबसे पहले उसके लिए आई थिंक जो बीजेपी काम कर रही है उससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकती। सर सर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? मैडम अब तो ड्यूटी बनाया, जब भी इलेक्शन होती मैं बीजेपी को वोट डालूंगा, क्योंकि बीजेपी जम्मू में बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले मोदी जी ने जो 370 तोड़ दिया है उससे क्या हुआ, जो हमारा पार्ट था वो पूरा इंडिया से ही अटैच हो गया। सर क्या कहेंगे जिस तरह से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? जो जम्मू के विकास की बात करें, जो यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करें जी, और जो अच्छे विचार लेके आए बेहतरी हर किस्म की, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करें, उसी पार्टी का मैनिफेस्टो देख के वोटिंग करनी चाहिए हर किसी को। सर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? मैडम ऐसा है, अभी तो सिचुएशन है नहीं, कल को सिचुएशन अगर बनती है तो उस माहौल में देखेंगे किसको वोट डालना है। फिर भी ये अभी इसमें जो लॉकडाउन हुआ है इसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जैसे देख लो यूथ है जो जानेंगे, पहले अगर कांग्रेस ने उनके कोई काम नहीं किए तो बीजेपी ने भी उनके कोई काम नहीं किए। क्या कहेंगे जिस तरह से अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? बात यह है कि शुरू से हम कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस भी कोई काम नहीं कर रही है, बीजेपी भी कोई काम नहीं कर रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं नई नई पार्टियाँ आ रही हैं, शायद हम जनता दल भी आ रही है, उसके बाद एक और पार्टी आ रही है नई बनी है कश्मीर से हम, लेकिन देख लेते हैं कि हमारी मर्जी कोई नई पार्टी को हम प्रमोशन दे। ब्रगु जी अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अगर यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो आप किसको वोट डालना चाहेंगे? जी इलेक्शन की बात रहे तो इधर को वोट डालने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आज तक इधर जो भी काम हुआ है यूथ के लिए किसी ने कुछ किया नहीं है, जिसकी वजह से यूथ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आई है ना इधर। आज तक पिछले देखा जाए अगस्त से नेट बंद है तो अभी तक 2G इंटरनेट चल रहा है, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी स्टडीज़ ऑनलाइन स्टडीज़ जो रुकी हुई हैं, तो हम किसको वोट देंगे? हमें कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं जिसको हम वोट दें। हम बीजेपी को लाना चाहेंगे, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, कोरोना में कितना हुआ सब बहुत ही अच्छा काम किया जो बीजेपी ने, हम उसी को वोट देंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम गोपाल कृष्ण सिन्होत्रा। सर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अगर यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो क्या आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखो इस वक्त जहाँ पर बीजेपी का ही पल्ला भारी दिखाई देता है, और जिस तरह से सेंटर श्री नरेंद्र भाई जी मोदी अपने कार्य में अपने दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, और जम्मू कश्मीर में दफा 370 का खात्मा हुआ है, और इसके आगे जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए
लोगों का रुझान जो है भाजपा की ओर ही दिखाई देता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या लगता है कौन सी पार्टी को यहाँ पर आना चाहिए? मैम, ऐसा है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके मुताबिक तो अभी तक कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती। रूलिंग पार्टी की तरफ से जाएंगे या जो पहले हो चुकी हैं उनका भी कोई स्टैंड क्लियर नहीं है। जनता में रोष भी है, वो लोग लोकल पीपल से नहीं जुड़ सके हैं, हम लोगों की जो आशाएं थी वो पूरी नहीं हो सकी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का चक्कर है, बिल्कुल लोग ऐसे ही हताश हैं हर तरफ से। आने वाले समय हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई जो अच्छा वर्कर होगा, किसी भी पार्टी का हो, अच्छा वर्कर हो, देश के बारे में सोचे, स्टेट के बारे में सोचे, यूथ के बारे में सोचे। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अगर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शंस होते हैं तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी को जो है वोट देना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो काम किया है, आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल मिनिस्टर ने, खासकर प्रधानमंत्री या जो भी हो, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, ऐसे फैसले नहीं लिए जो नरेंद्र भाई मोदी ने लिए हैं, और ये देश के हित में है। आप आर्मी ले लें, सिविल ले लें, बिजनेस ले लें, ठीक है जीएसटी में थोड़ी सी दिक्कत आई थी सिविल, बट अब हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया जीएसटी को भी। अब ऑब्वियसली बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने जो काम यहाँ पे किया है ना जम्मू में, अच्छे काम किए हैं। लाइट की ले लो आप, लाइट का हो गया, पानी का हो गया, रोड्स का हो गया, स्ट्रीट का हो गया, बस सब काम उन्होंने किए हैं, अच्छा काम किया है बीजेपी ने। मैम, जब से देश आज़ाद हुआ है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक कोई ऐसी पार्टी आई नहीं है जो जनता के लिए काम करे। आज तक जो भी पार्टी आई है, चाहे कांग्रेस आई है, एनसी आई है, अब बीजेपी आई है, ये सब अपनी जेबें भर रही हैं, पब्लिक के लिए किसी ने काम नहीं किया है। इस करके मेरे को तो लगता है एक ऑप्शन नोटा होता है, उसी को ही ब्रश करना इस वक्त ठीक रहेगा। भी अच्छी होती है, काम करने वाली पार्टी होती है वो कांग्रेस ही है ऑलमोस्ट देखा जाए, और बाकी बीजेपी जो काम करे कुछ नहीं कर रही। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अगर यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो क्या लगता है कौन सी पार्टी को यहाँ पर आना चाहिए? वैसे तो सब पार्टी एक जैसी हैं, बट जम्मू के लिए बीजेपी बेस्ट है। सर, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अगर यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी डिजर्विंग है जिसको आप वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। वैसे तो मैं वोट अभी तो किसी कोई पार्टी को भी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे आप खुद जम्मू में देख लो, कुछ आपको अपडेट दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा है कि कुछ हमारे लिए यूथ के लिए हुआ या फिर किसके लिए हुआ? मैं आपसे खुद ये सवाल करता हूँ कि मुझे बताइए, किसी को कुछ मतलब बेनिफिट्स हुए हैं यहाँ पर? हर एक चीज़ कॉस्ट, मतलब जैसे लाइक आप बिजली ले लो, कितना भी यूनिट होने वाला है आपको पता ही, प्राइवेट हो रही है। सेकेंडली आप देखिए हमारे यहाँ पे अभी जो लॉकडाउन के दौरान क्या बेनिफिट मिले, किसको बेनिफिट मिले, शॉपकीपर्स की क्या हालत है, बुरी हालत है। मैम, वोट तो उसी को देना चाहिए जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको नहीं जो कि बड़े बड़े वादे करते हैं और बाद में होता कुछ नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि मैं उस टाइम पर डिसाइड करूँगा मेरे को किसको वोट देना है, बट मैं उसी को दूंगा जो काम करने वाला लीडर है और जो आगे आके हम सबकी बातें सुने और काम करे। पहले भी था, बहुत सारे इलेक्शन देखिए हमने, हाईएस्ट एंड मोर इन माय लाइफ, लेकिन अभी तक तो जो भी चल रहा है, ये मोदी जी जब तक हैं तो लोग मोदी जी को पसंद करेंगे, कैसे चाहे उनके बीजेपी कोई भी बंदे हों, जो कार्यकर्ता जो भी हों, लेकिन बीजेपी जो है ना तो बीजेपी पर भरोसा करेंगे, अभी तक तो ये है। तो सुना आपने जम्मू के लोगों का क्या कहना था इलेक्शंस को लेकर? अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं तो कुछ लोगों का कहना था कि हम भाजपा को वोट देंगे, कुछ का कहना था हम कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन कुछ का ये कहना भी था कि हम नोटा को पसंद करेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है, क्योंकि हमने सभी को मौका देकर देखा है, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिन्होंने हमारे लिए काम किया। और यूथ की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये निर्धारित करता है कि कौन सी पार्टी जो है हम यूथ के ये काम करेगी, अगर वो यूथ के लिए काम करने वाली पार्टी होगी तो हम उसी को वोट देंगे, और ये हमारा वोट जो है निर्धारित करता है कौन सा कैंडिडेट जो है हमारे लिए काम करने वाला है। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ मैं प्रिया शर्मा, अली पोस्ट जम्मू।